हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली आलू टिक्का। ये हम बनाएंगे विदाउट ओवन, ये तंदूर के। तो बने रहिए हमारे संग में इसे देखने के लिए। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए बनाते हैं हरियाली आलू टिक्का विदाउट ओवन के। सबसे पहले हम आलू के लिए मैरिनेट बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिएगा 2 कप धनिया, 1 छोटा चम्मच पुदीना पाउडर। इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, ये भी मैंने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच तार नमक, 4 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या ज्यादा खाते तो इसमें आप 1 या 2 बढ़ा भी सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। एक जार में डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्ची। ये आप चटनी वाला जार लेंगे, इसमें धनिया पत्ती, बाकी ये स्पाइसेस दिखाए मैंने वो भी ऐड कर देंगे इसमें। लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, अदरक पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, और इन सबको हम पीस के एक पेस्ट बना लेंगे, और नमक। मैरिनेशन रेडी हो गया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी डाला नहीं है। जितना कम हो सके, अगर नहीं पिस रहा है तो थोड़ा इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें काफी गाढ़ा चाहिएगा, पतला नहीं चाहिएगा मैरिनेशन। यहाँ मैंने 300 ग्राम बेबी पोटैटोज लिया है, इसे पील कर लिया है, बहुत ज्यादा बॉयल नहीं किया है, इसे एक सीटी दिलवाया है मैंने कुकर में, बिल्कुल ये परफेक्ट है। इसे मैरिनेशन ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पोटैटोस में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून करीबन हल्का भुना हुआ ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन। अगर हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर ये मिल जाएगा, तो मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगी इसमें। एक बार अच्छे से मिल जाए आलू, इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल 2 टीस्पून। इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर, मैंने स्क्वायर में काट रखा है, इसे भी ऐड कर दें। स्क्वायर में कुछ कटे हुए ऑनियन, इसे भी ऐड कर दें मैरिनेशन में। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेट को हो गया है, मैरिनेट होते हुए आलू को किसी भी स्टिक पे आप इसे डाल सकते हैं, मैंने टूथपिक लिए छोड़ा। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 आलू इस तरह से, एंड 1 प्याज और 1 कैप्सिकम। इस तरह से मैं इन्हें रेडी कर लूंगी, बहुत इजी भी होगा ये पिकअप के लिए, तो इस तरह से मैं रेडी कर लूंगी इसे। कुछ टिक्कास यहाँ रेडी है, यहाँ मैंने एक पैन गरम किया है, काफी गरम है, इसे मैं ऐड करूंगी एक एक करके, ऐसे पलटते हुए चारों तरफ इसे सेक लेंगे। उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से, और तो सीखने चाहिए। ऑयल देने की जरूरत नहीं है, आपको लगे कि ऑयल आपको लगेगा तो थोड़ा ऑयल आप स्प्रिंकल कर सकते हैं हल्का। उसे सीखने दे मीडियम हाई फ्लेम पे।
मेक श्योर ये चादर स्टिक जाए अच्छे से और मैरिनेट पूरा इस पे चिपक जाए। इसे हम चादर से सेक लेंगे, इसे एक बार रेडी हो जाए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हुआ हमारा एक वे, और हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके में कैसे हम इसे बनाएं। यहां मैंने बड़े स्टिक्स पे यहां मैंने कुछ लगा दिए हैं हरियाली टिक्की को, अब इसे हम इसे सेकेंगे। गैस को ऑन कर लेंगे, इसके में एक एक स्टिक लेकर हम ऊपर से घुमाते हुए सेकेंगे। थोड़ा तेज करेंगे, तो बड़ी टेक्सचर आना चाहिए इस पे। तो लीजिए दोनों तरह की टिक्की रेडी है यहाँ पे, गैस पे भी और तवे पे भी। इसे हमें ओवन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप चाहे तो ओवन वगैरह यूज करना है तो 180 डिग्री पे आप 20 मिनट्स पे इसे बेक कर लें, तंदूर कर लें, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। हम प्लेटिंग होकर रेडी है, इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा चाट मसाला और ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसे मैंने सर्व किया थोड़ा सलाद के संग में और योगर्ट्स डिप के संग में। इसके संग में आप धनिया की चटनी भी आप सर्व कर सकते हैं, पर ऑलरेडी इसमें कोटिंग है धनिया की, इसलिए मैंने योगर्ट डिप बनाया है इसके लिए सर्व करने के लिए। और ये बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही हेल्दी है, इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।